हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल की। इस तरह की एक टेबल आपको एसक्यूएल से बनानी है। जरूरी है कि आपके सिस्टम में एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो। नहीं इंस्टॉल है तो चिंता की बात नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ऑफिस जब आप इंस्टॉल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो उसमें एक्सेस आपको मिल जाता है। यहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं दो नाम लिखे हुए हैं। इसमें से हमको फर्स्ट नेम को फेच कराना है विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज। तो पहले तो देखते हैं कि ये टेबल एसक्यूएल क्वेरी के माध्यम से कैसे बनेगा। तो इसको क्लोज कर दिया मैंने और ये टेबल वन भी हटा देते हैं। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही हमें चाहिए केवल। तो केवल हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही लेके आना है। तो यहाँ पे जाकर के क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पर एसक्यूएल व्यू दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, देखिए समझिए ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले इसको हटा दीजिए, सेलेक्ट जो लिखा हुआ आ रहा है इसको हटा दीजिए। यहाँ पे लिखिए आप क्रिएट टेबल, तो ये लिख दिया क्रिएट टेबल। इस तरीके से आपको लिख देना है क्रिएट टेबल। जब ये क्रिएट टेबल लिख देंगे तो टेबल को किस नाम, क्या नाम देना है, तो टेबल वन देना है। क्योंकि क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया वो कुछ ये है, देखिए फेच ओनली फर्स्ट नेम फ्रॉम टेबल वन। तो टेबल वन ही देना होगा हमको नाम, तो टेबल वन दे दीजिए। यहाँ पे दे देता हूँ टेबल वन, क्रिएट टेबल टेबल वन, ठीक है ये दे दिया। स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें करनी है, फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, कोई प्राइमरी की नहीं बनानी है। तो आपको डायरेक्टली लिखना है एफ आई आर एस टी फर्स्ट नेम, अंडरस्कोर जरूर लगाइएगा बीच में। तो ये हो गया फर्स्ट नेम। और फिर यहाँ पर इसका डेटा टाइप मेंशन कीजिए, टेक्स्ट कॉमा दे दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पर लास्ट नेम देना है एल ए एस टी लास्ट, और अंडरस्कोर लगाइए, और यहाँ पर लिखिए एन ए एम ई नेम। ये देखिए ये टेक्स्ट छूटा है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। ये हो गया। अब ये जो है टेबल रन बन गया है हमारा कुछ इसी तरीके से। इसी तरीके से आपका बना हुआ था टेबल। अब हमको इसमें से केवल और केवल फर्स्ट नेम को फेच करवाना है। तो यहाँ फिर एक क्वेरी हमें बनानी होगी, और यहाँ क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और इस टेबल को ऑफ कर देंगे। तो टेबल को ऑफ करते ही एसक्यूएल दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ सेलेक्ट आएगा। तो सेलेक्ट कहाँ से करना है, तो यहाँ लिखते हैं हम सेलेक्ट फ्रॉम टेबल वन। अब टेबल वन से क्या सेलेक्ट करना है, अब केवल ये टेबल वन लिख करके और आप इसको रन करवा देंगे। स्टार का सिंबल जरूर दीजिएगा ये इस तरीके से, ठीक है। और अब रन करवाइएगा तो ये रन हो जाएगा। तो ये देखिए सेम वही चीज़ आ रही है, आ रही है कि नहीं। लेकिन हमको दोनों तो चाहिए नहीं, हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए। और वो एक चीज़ आएगी कैसे, तो यहाँ पर वापस से एसक्यूएल में आ जाता हूँ मैं। यही हमारा टेबल है, और टेबल वन से क्या सेलेक्ट करना है हमें, वो चीज़ हमें ध्यान देनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये हटा देता हूँ, ठीक है। ये हटाने के बाद यहाँ पर लिखता हूँ सिंपली सेलेक्ट फर्स्ट नेम, तो एफ आई आर एस टी नेम, अंडरस्कोर करके नेम लिखेंगे। और यहाँ पर क्या दे देंगे, सेलेक्ट फर्स्ट नेम हो गया आपका, और फिर यहाँ पर दे देंगे फ्रॉम टेबल। अब टेबल वन है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए सिंपली टेबल वन। तो बस टेबल वन हो गया। अब यहाँ से रन करवा दीजिए इस क्वेरी को। तो ये रन करवाएंगे तो देखिए केवल फर्स्ट नेम यहाँ पे आ रहा है। अब इसका फायदा क्या है, देखिए ये जो क्वेरी बनाया था, ये जो टेबल बनाया था हमने क्वेरी की मदद से, इस क्वेरी की मदद से ये टेबल बनी हुई थी। और ये टेबल में मान लीजिए हमने लिख दिया सूरज, फर्स्ट नेम में सूरज लिखा, सेकेंड नेम में लिखा तिवारी, ठीक है। तो ये तिवारी लिख दिया, तो ये हो गया। अब यहाँ लिख दीजिए मनोज सिंह, ठीक है। तो ये दो नाम मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर। और ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेव कर दीजिए। सेव हो गया। अब यहाँ पर जब आइएगा तो यहाँ पर एक बार इसको रिफ्रेश कर दीजिए। तो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा केवल और केवल फर्स्ट नेम। तो इस तरह का सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाता है, चाहे आप इंटरमीडिएट में हो, चाहे आप हाई स्कूल में हो, चाहे आप नाइन्थ में हो, प्रैक्टिकल अगर होता है तो इस तरह के सवाल अगर पूछे जाते हैं तो आप आसानी के साथ बता सकते हैं। चाहे आप बीसीए कर रहे हो, कोई भी आप कोर्स कर रहे हो इस तरह का, कोई भी आप ग्रेजुएशन में हो, कभी भी आप बता सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।